Good morning, everyone. Morning, Dad. Dad. आज वैलेंटाइंस डे है जू, तुम्हें अपने लव्ड वन को विश करना होता है। इस तरह से? तब तो तुम्हें ये वैलेंटाइन कार्ड भी नहीं चाहिए होगा। Thanks, Mom. ये मेरी तरफ से भी है। That's really funny. Thank you. जरा देखो तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे क्या दिया है। तुम्हारी ग्रैंडमा ने ये दिया है और ये है नैना के लिए। मैं अभी उन्हें ये देखकर आता हूँ। Happy Valentine's Day to all of you. Happy Valentine's Day. Huh? Thank you. Roses are red, violets are blue. Zoo is my best friend and I'm his too. That's brilliant, Elsie. ये राइम मैंने खुद बनाई है। I'm sorry, मेरे पास तुम्हारे लिए वैलेंटाइन कार्ड नहीं है, Elsie. मैंने तो मॉम और डैड को भी नहीं दिया। तुम उनके लिए कार्ड खुद ही बना सकते हो। मुझे बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। एक तो नैना के लिए और एक एक ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के लिए, मतलब तीन कार्ड। क्यों ना तुम अपनी फैमिली में सबके लिए एक बड़ा और खूबसूरत सा कार्ड बना लो। ज़ूस फैमिली वैलेंटाइन। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, एलजी। यहाँ कहीं ना कहीं फैमिली फोटोग्राफ होनी ही चाहिए। ओह ज़ू, ये तुम हो? हाँ, देखो एलजी, मैं और तुम। ज़ू सर, अपने ग्रैंडपा को तो देखो। उनका हेयर कट कितना फनी है ना? ओह, फैमिली फोटोग्राफ तो कहीं नहीं मिल रही। उससे जल्दी तो पिक्चर बन जाएगी। अच्छा आइडिया है एलजी। मेरी पिक्चर वैलेंटाइन के लिए इतनी अच्छी नहीं है। इसे पूरा करने के लिए तुम फ्रेम में अपनी पिक्चर फिट कर सकते हो। अ डेकोरेटेड फ्रेम। और उसमें स्पेशल चीजें होंगी जो मुझे मेरी फैमिली की याद दिलाएंगी। होगा कि हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है ताकि हम उसे वापस वहीं रख दें। नैना का सिल्क थ्रेड उनकी स्विंग बास्केट में था। ये तुम्हें किसकी याद दिलाती है? मॉम, उनको बनानास बहुत पसंद है और फ्रिज पर लगा स्माइली फेस भी मुझे उनकी याद दिलाता है। वो स्टैम्प्स डैड की हैं, मुझे उनके ड्रॉअर से मिली। और किचन से मुझे लिटिल रेड हार्ट्स मिले जो ग्रैंडमा के हैं। इनसे वो केक को डेकोरेट करती हैं। और मुझे ग्रैंडपा के स्ट्रिंग्स और सीड्स पैकेट भी मिला बाहर गार्डन टेबल के ऊपर। और ये आइसक्रीम वेफर्स तुम्हें किसकी याद दिलाते हैं ज़ू? अपनी याद दिलाते हैं। आई लव आइसक्रीम। हो, हेलो बच्चों। मैं अपनी गार्डन स्ट्रिंग ढूंढ रहा हूँ और सीड्स का एक पैकेट भी खो गया है। पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया। छुपाना होगा। ओह, मैंने अपने केक डेकोरेशन की चीजें यहाँ तो नहीं रख दी। लिटिल रेड हार्ट्स। कोई बात नहीं, शायद किचन में हो। आई होप ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उनकी चीजें लेने पर गुस्सा नहीं करेंगे ज़ू। डोंट वरी, हम उन्हें वापस कर देंगे। चलो बाहर चलें। गार्डन में हमें कोई परेशान नहीं करेगा।
स्माइली फेस मॉम की पिक्चर पर लगाऊंगा। गार्डन की डोरी तो ग्रैंडपा के बाल जैसी दिखती है। सुनो बच्चों, क्या तुम लोगों ने मेरी स्टैम्प्स देखी हैं? हेलो डैड। ओह, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ग्रैंडपा के पास बहुत सारी स्टैम्प्स हैं। गुड आइडिया जू, मैं उनसे एक ले लेता हूँ। पिक्चर पूरी करने के लिए हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी। That's it. Zoo's family Valentine. जू देखो ये वो क्या कहना चाहता है? मेरे ख्याल से वो हमें बताना चाहता है कि हमने मेरी फैमिली पिक्चर में फोक की कोई चीज नहीं लगाई। थैंक यू फोक, तुम्हारे फेदर्स ने मेरी पिक्चर को और सुंदर बना दिया। थैंक यू टू एलजी, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है। ओह, मुझे भी अब घर चलना चाहिए। आई होप ये सबको पसंद आएगा जू। Bye, Elsie. Thanks for your help. You're welcome. मैं एक के लिए तो वैलेंटाइन कार्ड बनाना भूल ही गया। आहा, ये रही। ये क्या कर रहे हो जू? ये फोटो देखिए, मेरी और एलसी की। ओह, ये तुम दोनों की बड़ी प्यारी फोटो है। तुम इसका क्या करोगे? मैं इसे एलजी के लिए एक वैलेंटाइन्स प्रेजेंट बनाऊंगा ग्रैंडपा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसे एक फ्रेम में लगा दूं तो अच्छी लगेगी ना? मेरे साथ आओ, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल सही चीज है। आहा, ये रही द परफेक्ट फिट। मुझे पता नहीं था कि ये फ्रेम इतना काम आएगा। थैंक यू ग्रैंडपा। तो हो गया तुम्हारा काम? अभी नहीं, मैं इसे एलजी को देने से पहले डेकोरेट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे जू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वेल, तो अब ये तैयार हो गया है क्या? हाँ, बस एक ही चीज बाकी है। Roses are red, violets are blue. I like the park and so do you. That's very good. Well done, Zoo. ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी एलजी ने लिखी थी। Hers was brilliant. ठीक है, फिर ट्राई करो। Okay. Roses are red, ice cream is blue. ओह, ये अच्छी नहीं है। देखते हैं। Roses are red, tulips are purple. मुझे समझ नहीं आ रहा कि पर्पल के साथ क्या राइम करेगा सिवाय टर्टल के। लंच टाइम। रोजेस आर पिंक, यू मेक मी विंक। रोजेस स्मेल नाइस एंड सो डू पिंक माइस। ओह, थैंक यू जू, तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा है। ये आप सबके लिए है। तुमने कितनी समझदारी से हम सबके साथ छोटी छोटी चीजें लगाई हैं। ये सब चीजें मुझे आपकी याद दिलाती हैं। मुझे अपना हैप्पी स्माइली फेस अच्छा लगा। और मुझे खुशी है मेरी स्टैम्प्स मिल गईं। आप इन्हें वापस ले सकते हैं डैड, ये मैंने सिर्फ पिक्चर के लिए ली थी। इन्हें यहीं रहने दो, बाद में मुझे इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम मेरे लिटिल रेड हार्ट्स भी रख सकते हो, तुम्हारी पिक्चर पर ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू ग्रैंडमा। मुझे अपने क्रेजी स्ट्रिंगी हेयर पसंद आए। तुम बहुत समझदार हो जू, मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत वैलेंटाइन कभी नहीं देखा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। जू, तुम्हारी फैमिली को ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एलजी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, एल्सी इज द कूलेस्ट, नो वन एल्स विल डू। रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम योर्स टू। Oh, 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 oh
to a fine young zebra by the name of Sue. बनूंगा और स्पेस में जाऊंगा एक्सप्लोर करने। हे, पार्क में क्या हो रहा है? वो डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। डांस कंपटीशन? हाँ, वो सैटरडे को है। तुमने नहीं सुना इसके बारे में? हाँ? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं बड़े होकर कभी नहीं बनना चाहता एक डांसर। बाय एल्सी। बाय ज़ू। ज़िनिया का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, है ना? तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ, लेकिन हैरानी की बात है कि अच्छी बच्ची होने के बावजूद भी लॉर्ड मेयर की लंच पार्टी में इसे इनवाइट नहीं किया गया। हाय मॉम, पता है आज हमने स्कूल में क्या किया? टीचर ने आज हमें प्लैनेट, स्पेस और एस्ट्रोनॉट। हेलो। हाय आंट ज़ेल्डा, अंकल ज़ेवियर, हाय ज़िनिया। हेलो ज़ू। वेल, अब जब ज़ू आ गया है तो क्यों ना तुम दोनों जाकर खेल लो। हाँ, हम लॉर्ड मेयर को इंतजार नहीं करवाना चाहते। बाय ज़िनिया डार्लिंग। Bye you two. Enjoy yourselves. Bye darling. तो ज़िनिया, तुम क्या खेलना चाहोगी? Well, I know. हम खेल सकते हैं monsters from outer space. मैं बनूंगा brave space explorer और तुम बन सकती हो slime creature from the planet God. मैं अपनी dance practice करना चाहती हूँ. Dance practice? हाँ. मैंने dance competition में हिस्सा लिया है. Daddy ने कहा कि मैं जीतने वाली हूँ. Point and flex and point and close. तुम क्यों नहीं करते? मैं डांस गर्ल्स करती हैं। बॉयज भी करते हैं। तुमने रुडोल्फ ज़ेब्रेव के बारे में सुना है? नहीं। वो सबसे फेमस रशियन बैली डांसर थे। ओह। And point and flex and point and close. बैली हंसने के लिए नहीं है ज़ू। मैं तुम पर नहीं हंस रहा था ज़िनिया, ना ही तुम्हारे डांस पर। एनीवे, अगर मैं बैले करता तो मैं तुमसे अच्छा डांस करता। वेल, अगर तुम इतना अच्छा डांस करते हो तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? ऑलराइट, मैं करूंगा। ग्रेट, है ना ये एक्साइटिंग? ज़ू डांस कंपटीशन में पार्ट लेगा। एंड पॉइंट एंड फ्लेक्स एंड पॉइंट एंड क्लोज। ज़िनिया का ख्याल रखने के लिए ज़ू को थैंक्स कह दीजिएगा। ज़ू, तुम ज्यादा खुश नहीं दिख रहे। मैं क्या करूंगा मॉम, ये बैले मुझसे नहीं होने वाला। सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझसे ये नहीं होगा। पॉइंट एंड फ्लेक्सन, पॉइंट एंड फ्लेक्सन। ओह ज़ू, शायद तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ज़िनिया को कहने से पहले। ये, इट्स संडे। आज दोपहर को हम फुटबॉल खेलेंगे। ओह, और सैटरडे को पार्क में बैले करेंगे। ओह। गुड मॉर्निंग ज़ू, और बताओ मेरा लिटिल डांसर कैसा है? डांसर? मुझे नहीं पता था कि तुम डांसिंग में इंटरेस्टेड हो ज़ू। मैं नहीं हूँ, और मुझे बैले आउटफिट भी नहीं पहनना। काश मैंने कभी कहा ही नहीं होता कि मैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा। अरे तो बताओ
क्या हुआ? ज़िनिया बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही थी और ज़ू से दिखाना चाहता है कि वो भी अच्छा कर सकता है, तभी उसने डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। ये हंसने की बात नहीं है, सब लोग मुझ पर और मेरे टूटू पर हंसेंगे। तुम्हें टूटू पहनने की जरूरत नहीं और ना ही बैले करने की। करना तो है ज़ू, मैंने इस कंपटीशन के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ये सिर्फ बैले डांसिंग के लिए ही नहीं बल्कि हर टाइप की डांसिंग के लिए है, और मुझे यकीन है हम एक डांस ढूंढेंगे जो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। कम ऑन, मैं अपना पुराना ग्रामोफोन निकालता हूँ और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ओके, मैं ट्राई करूंगा। हाँ, यहाँ देखता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। टाटा। तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था ग्रैंडपा, ये बैले की तरह तो नहीं लग रहा था। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है, मैं इसे कहता हूँ एक्सेंट्रिक डांसिंग। अब क्यों ना तुम इसे ट्राई करो। अच्छा ठीक है। क्या तुम ठीक हो? मुझे पूरा यकीन है कि थोड़ी प्रैक्टिस से तुम्हें आदत पड़ जाएगी। क्या तुम थोड़ा कम शोर मचाओगे? मैं डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ सैटरडे के कंपटीशन के लिए। ओह, तुमने भी पार्टिसिपेट किया है? हाँ, पर मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही, मुझे नहीं लगता मैं अच्छा डांस कर। एक मिनट, तुम तो डांस नहीं करना चाहती थी। हाँ, पर तुमने अभी कहा कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। लेकिन मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं चल रही है। Well, अगर तुम दोनों ही खुश नहीं हो जो तुम अभी कर रहे हो, क्यों ना तुम दोनों साथ में डांस करो। तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से मेरे पास तुम दोनों के लिए परफेक्ट डांस है। लेकिन वो बैले नहीं होगा, है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ, मैं और ग्रैंडमा तुम्हें दिखाएंगे। वाओ, ये बहुत अच्छा था। ये, मुझे नहीं पता था ग्रैंडमा डांस कर सकती हैं। चीकी, तो अब हम कर सकते हैं। ऑलराइट। तो ये है लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड स्विंग। लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड स्विंग। अच्छा किया तुमने, तुम क्या कहते हो? Well, मुझे लगता है ये दोनों बिल्कुल तैयार हैं। Welcome to Dance in the Park। और इस कॉम्पिटिशन की शुरुआत करने आ रहे हैं ज़ैक ज़ोई। और अब हमारी दूसरी कंटेस्टेंट ज़िनिया। और अब लास्ट
बट नॉट द लीस्ट आ रहे हैं ज़ू एंड एल्ज़ी। किसी वजह से लॉर्ड मेयर आज इस कॉम्पिटिशन को देखने नहीं आ सके। खैर कोई बात नहीं, आज का फर्स्ट प्राइज जाता है ज़ीनिया को। तुम सबने बहुत अच्छा डांस किया, तुम्हारी और एल्ज़ी की कोशिश भी बहुत अच्छी थी। थैंक्स ज़ीनिया, बट वॉच आउट, क्योंकि अगली बार मैं अगली बार क्या? अगली बार शायद मैं स्पेस मॉन्स्टर्स ही खेलूंगा, लेकिन डांसिंग मजेदार है। ये। 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 का अपना मजा है, sometimes you're up, sometimes you're down, इसे झूलने में बहुत मजा आता है। ओह, वो आवाज कैसी थी? शायद कोई एनिमल होगा, a lion और a bear और क्या? आग उगलने वाला ड्रैगन। पर ड्रैगन्स तो होते ही नहीं है ज़ू। आवाज तो ड्रैगन जैसी ही थी। ये आग तो उगलता है, लेकिन ये ड्रैगन नहीं है। हाँ? देखो, एक हॉट एयर बलून। वाव, वो वहाँ क्या कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। ये तो बहुत बहुत ऊंचा है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, अपनी टिकट्स खरीदिए, हम यहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए हैं। ये राइड बहुत मजेदार होगी। एक बलून राइड? इसमें तो बहुत मजा आएगा। यहीं रुको। वो बास्केट तो बहुत छोटी लग रही है, वो तुमसे भी ऊंचा जा सकता है पोक। क्या बात है ज़ू, क्या तुम बलून राइड पर नहीं जाना चाहते? ज़ू, एल्ज़ी, देखो बलून राइड के लिए 3 टिकट्स, एक मेरे लिए, एक एल्ज़ी के लिए, थैंक यू, और एक ज़ू के लिए। कब? कल सुबह सबसे पहले। ये कितना ऊंचा जाता है ग्रैंडपा? ओह, मुझे लगता है 100 मीटर्स तक। 100 मीटर्स? ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। ओह, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओह डियर पोक, मैं उसमें जाने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करूं? मैं ग्रैंडपा और एल्ज़ी की राइड को स्पॉइल नहीं करना चाहता, और मैं यहाँ रहकर बोर होना भी नहीं चाहता। अब मैं जमीन से ऊंचाई पर हूँ पोक, मुझे डर नहीं लग रहा। आई कैन डू इट।
शुरुआत तो अच्छी थी पर अभी और ऊपर जाना है। रहा चलो और ऊपर चलकर देखते हैं। तुम मेरे पीछे आओ। ये हमारे घर की सबसे ऊंची जगह है पोप और मुझे डर नहीं लग रहा। ये बात है, शायद मैं उस बैलून राइड के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे ऊंचाई से डर लगता है ग्रैंडपा। ऊंचाई से डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है जू, पर मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हेलो जू, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? कुछ चौक, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जंपिंग बीन्स का टिन। नो थैंक यू मिस्टर ज़ोई, कल हम एक बैलून राइड पर जाने वाले हैं। ज़ू को ऊंचाई से अपने डर को कम करने के लिए कुछ चाहिए। ओह, मैं समझ गया ज़ू। तुम इन छोटे बलून से क्यों नहीं खेलते ज़ू? शायद ये बलून राइड पर जाने में तुम्हारी मदद करे। ऑल राइट। छूट गया। फिर से ट्राई करता हूँ। अगर बिग बैलून को भी ऐसा ही हुआ तो? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। या तो ये इधर उधर घूमते हैं या फिर आसमान में उड़ जाते हैं। मुझे पता है, क्यों ना तुम पोक की हेल्प लो ये जानने में कि ऊंचाई पर क्या क्या अच्छा लगता है। ऑलराइट। और फिर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा डर बिल्कुल कम हो जाएगा। ऊपर जाकर क्या अच्छा लगता होगा? वो ट्री टॉप्स कितने ऊंचे हैं? इतना बुरा भी नहीं लगता होगा। और वो काइट तो और भी ऊंची उड़ रही है। क्या वो तुमसे भी ऊंची है पोक? शायद तुम उन बर्ड्स तक भी पहुंच सकते हो। ऊंचाई पर होना उतना बुरा नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों डर लगता था। क्या पोक से तुम्हें हेल्प मिली ज़ू? थोड़ी सी। पोक ने सिखाया कि ऊंचाई पर उड़ना अच्छा लगता है। वो उतना ऊंचा गया जितना हॉट एयर बलून जा सकता है। तो फिर ये लो, ये है हीलियम बलून, हॉट एयर बलून का एक मिनी वर्जन। अब इस स्ट्रिंग को छोड़ दो और देखो ये बलून कितना ऊपर जाता है। ओह, ये तो झटके से उड़ भी नहीं रहा और दूर भी नहीं जा रहा। ओह, थैंक्स ग्रैंडपा। ऊंचाई पर जाने के लिए रेडी हूँ। और तुम्हें पता है क्या, मैं कल पूरी रात बलून्स के ड्रीम्स देखती रही। हाँ,
जल्दी आओ बच्चे। Come on, Zoo, डरो मत। शायद इसके बाद कभी हमें इतनी ऊंचाई पर जाने का मौका ना मिले। It's all right, Zoo। वो सब चीजें याद करो जो तुमने ऊंचाई के बारे में देखी और सीखी। Hey, मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। मैं इससे बलून को अप करता हूँ और फिर डाउन। सिंपल। एक सिंपल ट्रिप, अप एंड डाउन। जस्ट टू बी सेफ, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। सब तैयार? ये चले ऊपर। ओह, क्या नजारा है। वाओ, अमेजिंग। देखो ज़ू। वाओ। तो कैसा लग रहा है? पता नहीं मैं इतना क्यों डर रहा था। नई चीजें ट्राई करने में सबको डर लगता है, लेकिन कोशिश करने का अपना ही मजा है। तो तुम्हें मजा आया? ये बेस्ट राइड थी। थैंक यू। यस, इट वाज सुपर ब्रिलियंट। थैंक यू। मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। उसके लिए वेट करना होगा, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। क्या तुम दोबारा बलून राइड पे जाना चाहोगे? ओह हाँ, अब मैं एक अच्छी बलून राइड पर जाना चाहता हूँ, जिसमें कोई रोप ना हो और मैं खुले आसमान में उड़ सकूँ, बहुत ऊंचा। फिर तुम तो मुझसे भी ज्यादा ब्रेव हो, ज़ू। वी!